आई बच्चा पार्टी करंट इलेक्ट्रिसिटी जेईई लेक्चर 03 विद वन एंड ओनली सोहम सर। ओके, आज के डिस्कशन में है ओहम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस। ओहम्स का लॉ और रेजिस्टेंस, इन दोनों पे थोड़ी थोड़ी बेसिक बातें होंगी और प्रैक्टिस होगा सम्स का, कुछ 8-10-15-20 सम्स ले लेंगे क्योंकि सारे फॉर्मूलों का अभी अपना प्रैक्टिस हो जाएगा। ओके, तो ओहम्स लॉ तो आप ऐसे तो टेक्स्ट बुक में पढ़े हो ना ऊपर ऊपर से, तो मैं ज्यादा डिटेलिंग नहीं करता हूँ, ठीक है। हम सम्स पे ज्यादा फोकस करेंगे, ये सब है इजी टॉपिक, बच्चे जैसे हम इनके लिए आधा एक घंटा बिगाड़ो पूरा लेक्चर बिगाड़ो, बच्चे जैसे टॉपिक है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड। चलो ओहम्स लॉ, ये रहा अपना ओहम का लॉ। क्या बोला था ओहम बाबा ने, नाम याद है किसी को पूरा? जॉर्ज साइमन ओहम। वेरी गुड, चलो देखिए, अब ओहम बाबा ने ये बोला था कि वायर के दो एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन इट। गुजराती मीडियम में छेड़ा वच्चे नो स्थिति मान नो तफावत, वोल्टेज डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, स्थिति मान नो तफावत, आमा जे पसार होतो प्रवाह होय ने एना समप्रमाण मा होय, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द आई। हां, ये था ओम बाबा का लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द आई। अब ये प्रोपोर्शनलिटी हटा दो, यहां पे आ जाएगा आर कांस्टेंट। अब ये उसको याद कैसे रखते हैं, वीर, इस फॉर्मूले की पहचान कैसे करते हैं हम लोग, वीर के तौर पे। यस, ऐसे बहुत से फॉर्मूले आए हैं जो नाम से बनते हैं, एक दे दूं, लुक, देखो हमने ये फॉर्मूला किया था, एफ इज इक्वल टू मा, एफ इज इक्वल टू पा, फिर जे इज इक्वल टू वेन, आई इज इक्वल टू बेना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एरिया, याद है, फिर आई जा, ये भी किया था एक फॉर्मूला, फिर वेद, वेरी गुड, पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस वेद। ये तो ऐसे फॉर्मूले हैं जो हमको ऐसे नाम से याद रहते, बेना, वेन, वेद, वीर, ये सब ऐसे ही याद रहते फॉर्मूले, ऐसा एक फॉर्मूला है वीर। अब यहाँ पे ये आर क्या है भैया, रेजिस्टेंस, आर क्या है, रेजिस्टेंस है ना, ठीक है, चलो ओके। अब देखो आगे का मामला, अब इसका ग्राफ कैसा मिलेगा, और एक कॉमन सेंस की बात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो ग्राफ कैसा मिलेगा, हाँ स्ट्रेट लाइन कैसा मिलेगा, लीनियर, अरे यार लीनियर स्ट्रेट लाइन बोल दो क्या गलत हो जाएगा, ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा इसका, क्लियर, ओके। अब इधर ग्राफ में भी कुछ इंफॉर्मेशन तो है, देख बताता हूँ, मान लीजिए थीटा है, ये थीटा है, तो ये क्या है वोल्टेज और ये क्या शो करता है करंट, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, वी अपॉन आई, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सामीनी बाजू अपॉन पासीनी बाजू, और ये वी अपॉन आई क्या बनता है आर, इस टेन थीटा को हम क्या बोलते हैं स्लोप, क्या बोलते हैं स्लोप, मतलब वी और आई का ग्राफ का जो स्लोप है ना वो एक्चुअली रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, है कि नहीं, अरे ग्यारहवीं में भी पढ़ा है यार, ग्यारहवीं में नहीं पढ़ा है, देख x और t का ग्राफ है, हाँ तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है स्लोप, वेलोसिटी को, वैसे ही वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, ग्यारहवीं में पढ़ा है ना, उसका स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है, एरिया को, है कि नहीं, और ये स्लोप ऐसा है ना तो ये कांस्टेंट है, ये स्लोप कैसा है आपका कांस्टेंट, वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल स्लोप होता ना ऐसा आता है, स्लोप बदल रहा है, ज्यादा स्लोप है कम स्लोप है ज्यादा, इसको वेरिएबल स्लोप बोलते हैं, ये वाला तो पूरा कांस्टेंट है ना, हाँ क्लियर, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है ओहम बाबा के लॉ की। अब ओहम का लॉ सर्टेन फिजिकल कंडीशंस में लगता है, हर बार नहीं लगता है, गुजराती मीडियम टेक्स्ट बुक में जब पढ़ा रहा था तो लिखा होगा वहां पे, चौकस भौतिक परिस्थिति में इन सर्टेन फिजिकल कंडीशंस ये लगता है, हर बार नहीं लगता है, जैसे ट्रांजिस्टर है, डायोड है, उसमें ओहम्स लॉ नहीं लगता है क्योंकि इसमें ओहम का लॉ लगा और ग्राफ लोगे ना
तो सर स्ट्रेट लाइन मिलेगा नहीं, मतलब ये लॉ फॉलो होता नहीं है। जैसे डायोड और ट्रांजिस्टर में ग्राफ कैसे दिखते, देखो डायोड एंड ट्रांजिस्टर, डायोड एंड ट्रांजिस्टर का ग्राफ कैसा दिखता है देखो, ऐसा दिखता है, दिखा रहा हूं ये है करंट और ये मान लो आपका वोल्टेज, तो ग्राफ ऐसा दिखेगा, ऐसा ऐसा इस टाइप के ग्राफ दिखते हैं। तो ये कहा लीनियर स्ट्रेट लाइन का है, ये तो पैराबोला है ना, ये तो पैराबोला है कि नहीं, हाँ तो नहीं मिल रहा है, तो ये नॉन ओमिक सर्किट हो गई। ये सर्किट क्या कहलाएगी, नॉन ओमिक, क्योंकि इनमें ओहम्स लॉ का फॉलो होता नहीं है, नॉन ओमिक, जिसमें होता है वो क्या हो गई, ओमिक सर्किट या ओमिक वायर। क्लियर? अच्छा अब आपको चैप्टर से बाहर जाके थोड़ी बात बता रहा हूं, ये ग्राफ आप लोग देखोगे बारे में, आपका सेमीकंडक्टर चैप्टर आएगा, सेमीकंडक्टर चैप्टर में ये फॉरवर्ड बायस और ये रिवर्स बायस का ग्राफ है। रुको थोड़ा लिख देता हूं कि इंफॉर्मेशन काम आएगा आगे, कि किसका ग्राफ है फॉरवर्ड बायस और ये रिवर्स बायस। जिस दिन ये ग्राफ आएगा ना सेमीकंडक्टर में आपको ये याद को आएगा। अच्छा जब फॉरवर्ड बायस मोड में होती है ना सर्किट, तब बेटा करंट मिली एम्पियर के रेंज का होता है, और जब रिवर्स बायस मोड में होती है ना सर्किट, तब करंट आपका माइक्रो एम्पियर की रेंज का होता है। मतलब यहां से इतना तो पता चल रहा है कि सर्किट फॉरवर्ड बायस में तो करंट ज्यादा मिलेगा, रिवर्स बायस में तो ऑलमोस्ट नहीं मिलेगा, माइक्रो एम्पियर मतलब 10^-6 ऑलमोस्ट नहीं मिलेगा, समझा? तो ये इंफॉर्मेशन सेमीकंडक्टर का है, कहीं आपको काम आएगा आगे जाके, इसलिए दे दिया, मुझे याद आया था। क्लियर कि नहीं क्लियर? ए यार अपडेट नहीं करते, बस ओम्स लॉ में ज्यादा अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, हो गया, इसमें से आपके आंसर आएंगे सर। चलो एक और इंफॉर्मेशन देता हूं, ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, हालांकि हम जानते हैं कि ये पोटेंशियल कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, रेजिस्टेंस आई ये लोग भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो इसका वेक्टर फॉर्मेशन है ये रहा, जे इज इक्वल्स टू सिग्मा ई, यस ये जे वेक्टर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो ओम्स लॉ का ये वेक्टर फॉर्म है भाई। अब यहाँ पे आपके दिमाग में क्वेश्चन हो रहा होगा कि सर जी ये जे को तो जानते हैं, करंट डेंसिटी, जे क्या है करंट डेंसिटी, पिछले लेक्चर में पढ़ लिया, ई को भी जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और ई सिग्मा का है, हाँ तो टेक्स्ट बुक पढ़ के बैठे हो ना, कंडक्टिविटी है, और डिटेल में जानना है इसको, अभी आगे पढ़ा रहा हूँ रेजिस्टेंस, उसमें आएगा ही, ये आज के लेक्चर में ही इसका समाधान आपको मिल जाएगा। ओके चल, तो ओम्स लॉ अपना क्लियर हो गया, अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस पे, किस पे बात करेंगे, रेजिस्टेंस पे, लगाओ टाइटल, रेजिस्टेंस आर। रेजिस्टेंस क्या है वो तो आपको पता है ना, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन का आयंस के साथ टक्कर वगैरह होना, जिससे फ्लो रेजिस्ट होता है, फ्लो को अवरोध मिलता है, समझा ना, और उसकी वजह से वायर गर्म होता है, हीट प्रोड्यूस हो जाता है, टक्कर होता है, एनर्जी लॉस होता है, तो हीट प्रोड्यूस होता है, होता है कि नहीं, अरे गजब हीट प्रोड्यूस होता है यार, तेरा किसी बाइक वाले के साथ टक्कर हो गया, माहौल में कितना हीट आ जाएगा, तू खर्चा दे, अब ठीक है भी खर्चा दे, मेरी गलती है ही नहीं, तू खर्चा दे, बस बाइक का लाइट टूटा ना तू खर्चा दे, तो हीट आता है, जब भी टक्कर होता है माहौल में हीट आ जाता है। ओके उसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं, बेसिक समझ है, मैं सीधा फॉर्मूले पे आता हूं, क्या बच्चों जैसा टॉपिक पढ़ा रहे हैं हम लोग। ये देख भाई वायर है ऐसा, इस वायर का लेंथ हम क्या ले लेते हैं एल, और वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना इसको क्या ले लेते हैं ए, वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्या ले लेते हैं ए, तो इस वायर का रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, समझ में आ रहा है कैसे, हाँ।
लेंथ ज्यादा है तो दौड़ना ज्यादा पड़ेगा, तो टक्करें ज्यादा होंगी, रेजिस्टेंस बढ़ गया, समझा? एरिया के इन्वर्सली क्यों है? मान लो एरिया ज्यादा है तो घुस जाएगा, टकराएगा नहीं, और एरिया कम है तो टकराएगा ज्यादा, समझा कि नहीं? तो एरिया कम है तो टक्कर ज्यादा, तो रेजिस्टेंस ज्यादा है, एरिया कम है तो कंजेस्टेड माहौल हो जाएगा ना अंदर, इलेक्ट्रॉन कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन के लिए कंजेस्टेड माहौल हो जाएगा, एरिया कम कर दो इलेक्ट्रॉन घुस नहीं पाएगा, टकराएगा, रुकेगा बेचारा, परेशान होगा, रेजिस्टेंस बढ़ गया, एरिया कम है तो रेजिस्टेंस बढ़ गया, इसलिए इन्वर्सली है, समझ में आया कि नहीं? और वो देख एरिया इतना बड़ा होगा, खुल्लम खुल्ला माहौल है, इलेक्ट्रॉन घुस गया, निकल गया, पर बोलो क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं है? चलो आ जाओ, अब इन दोनों को मर्ज कर देते हैं, एल अपॉन ए। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट रखते हैं ना, हाँ हाँ, रो मत, यहाँ पे रो रख दे, रो मत, रो, इसी रो पे अब बात करते हैं, इस रो को निकाल के बाहर लाते हैं, चलो इधर, इस रो को क्या पढ़ेंगे भैया? अरे वेरी गुड, टेक्स्ट बुक पढ़ गया बेटा, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, ओके डन। अभी मुझे आपको ये कंडक्टिविटी बताना है, बता रहा हूँ, रेजिस्टिविटी देखा ना पहले, इस रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या बनेगा? बना यूनिट दे, ये रेजिस्टेंस मतलब ओम, ये लेंथ मतलब मीटर, ये मीटर स्क्वायर निकला, ओम इनटू रेजिस्टिविटी का यूनिट बन गया, बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब रेजिस्टिविटी का पिछले टॉपिक से, पिछला टॉपिक था ना ये ड्रिप वेलोसिटी का, बेना और सब, वहां से कनेक्टेड एक फॉर्मूला, ड्रिप वेलोसिटी से कनेक्टेड रेजिस्टिविटी का एक फॉर्मूला है, एम अपॉन एनी स्क्वायर टाउ। ये जो फॉर्मूला बहुत काम आएगा पीछे मामलों में, ये हेल्प करेगा, कहां से निकाला देख यार, टेक्स्ट बुक पढ़ के बैठे हो तो मैं इसके डेरिवेशन में क्यों टाइम नहीं करूं? ड्रिप वेलोसिटी के टॉपिक में ये आ गया, ओके अब आगे बढ़ूं, चलो ठीक है, रेजिस्टिविटी को देख लिया अच्छे से, अब कंडक्टिविटी क्या है? तो इस रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल को, उल्टा को आना व्यस्त ने कंडक्टिविटी बोलते हैं, चलो तो कंडक्टिविटी इज एक्चुअली रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, ये खत्म, बोलो क्लियर कि नहीं क्लियर? अब एक लास्ट टर्म मोबिलिटी, मोबिलिटी का भी फॉर्मूला आ चुका है भैया, मोबिलिटी म्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, मोबिलिटी क्या होता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, काम का फॉर्मूला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, मोबिलिटी, क्लियर कि नहीं क्लियर? पक्का? अब टेक्स्ट बुक का तो हो गया एक रिपीटेशन हल्का फुल्का, अब थोड़ा अपना ज्ञान डालू अंदर रेजिस्टेंस को लेके, रेजिस्टेंस में बहुत आगे जाएंगे आप, आज का लेक्चर हल्का फुल्का इंफॉर्मेशन वाला है, अगले लेक्चर में रेजिस्टेंस का टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी सीखेंगे, रेजिस्टेंस का इंटीग्रेशन से आंसर कैसे आता है वो सीखेंगे, फिर रेजिस्टेंस की कॉम्बिनेशन से, रेजिस्टेंस बहुत लंबा चलेगा, बहुत मजेदार भी है, इंट्रोडक्शन है इसलिए हल्का फुल्का थोड़ा थोड़ा लिया जा रहा है, ताकि आप एक इन्वॉल्व हो जाओ अंदर, घुसो अंदर, फिर अंदर बड़ा दरिया रेजिस्टेंस, ठीक है? सब लेंगे, कुछ बाकी नहीं रखेंगे, सारा पूरा करेंगे, लेकिन अभी एक उस दरिया की एक झलक दिखा दूं आपको, ये जो फॉर्मूला है लेना कैसे क्वेश्चन में, देखो यहां पे दो इंफॉर्मेशन लिखता हूं, ये जो एल है ना, इट इज एक्चुअली पैरेलल टू दिस एबी, एबी को पैरेलल लेंथ लेना है, भी करंट यहां से जा रहा है आपका, समझो तो एल इज पैरेलल टू एबी, मेरे क्रॉस सेक्शनल एरिया देखो इसके परपेंडिकुलर है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इज परपेंडिकुलर टू एबी, दो बातों का मतलब समझ में नहीं आ रहा है, रुक अभी चित्र दिखाता हूं सब समझ में आएगा, देख जैसे तेरा वायर ऐसे है, ये रहा वायर, ओके ये दिख रहा है वायर, कहां बना है, पूरा बनाने मुझे
भाई कैमरा में भी दिख रहा है ना, छोटा नहीं आ रहा ज्यादा ड्रॉइंग, छोटा आ रहा है, मजा नहीं आ रहा ड्रॉइंग, थोड़ा मीठा है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। अरे ये जाने तो फॉरवर्ड रिवर्स स्क्रीन शॉट ले लो नहीं इसका, थोड़ा बहुत मीठा ना पड़ेगा। ओके चलो थोड़ा मिटाएंगे तो जगह मिलेगा ही। आ जाओ देख, ये रहा वायर, समझ ले इस शेप में है वायर इस बार। चलो इस वायर का ये वाला लेंथ ले लेते अपन L, ये वाला हाइट क्या लेते हैं H, और ये जो चौड़ाई है ना ब्रेड वो क्या ले लेते हैं E, ठीक है। अब रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना है, अब सीधा L देखा मतलब ये नहीं कि लेंथ ले लिया, एरिया देखते ही टूट मत पड़ना कि क्रॉस सेक्शन भी लूं, डिपेंड कि करंट कहां से फ्लो हो रहा है, समझ, करंट जहां से फ्लो हो रहा है ना वो करंट को जितना लंबा फ्लो होना है ना दैट विल बी द लेंथ। करंट इधर जा रहा है तो ये वाला मेजरमेंट लेंथ सम लो, और उसके परपेंडिकुलर जो सरफेस आ रहा है वो आपका एरिया बन जाएगा उसको। मान लो करंट आपका यूं घुस रहा है तो ये वाली लेंथ लेनी है, इसको लेंथ लेना है उस टाइम, और उसके परपेंडिकुलर जो सरफेस आ रहा है उसका एरिया लेना है। अरे यार देख बताता हूँ, चलो मान ले मैं बोलूं कि आपका करंट यहां से घुसा अंदर और यहां से निकला बाहर, तो इस केस में रेजिस्टेंस क्या हो गया, फर्स्ट केस में रेजिस्टेंस क्या हो गया आपका, करंट के पैरेलल, करंट यहां से घुसेगा यहां तक जा रहा है तो लेंथ क्या लेनी है L, और करंट ये वाला जो सरफेस दिख रहा है ना ये वाला वायर का ऐसे है ना, वो तो 3D में आपको ऐसे दिख रहा है, अभी एक्चुअली वायर का ऐसे ना करंट यहां से घुस रहा है, तो ये हाइट और ब्रेथ ये उसका सरफेस एरिया हो गया, उधर मीडियम लंबाई गुणा पौड़ाई दिया ऊंचाई गुणा पौड़ाई है तो b into h, बोलो समझ में आ रही है पक्का। अब करंट को मान लो कहीं और से घुसाते हैं, देखते क्या फर्क पड़ता है आंसर में, करंट को यहां से घुसाया और यहां से निकला i2, तो इस बार करंट को ट्रैवल कितना करना है, ये वाला है ना h, तो ये लेंथ का काम करेगा, करंट को इतना ही ट्रैवल करना है ना यहां से इधर निकल जाना है बाहर, ऐसे घुस रहा है करंट अंदर, समझा कि नहीं, ऐसे करंट घुस रहा है तो जितना हाइट है उतना ही वो ट्रैवल करेगा ना। हां तो दूसरे केस में रेजिस्टेंस क्या आएगा तेरा, रो h अपॉन एरिया, एरिया क्या लेगा ये वाला सर b है ना, देखो तो करंट जहां से घुस रहा है वो सरफेस ऐसे दिख रहा है अपने को, करंट यहां से घुस रहा है ये l और ये अपना b और ये अपना h था राइट, तो एल भी आएगा एरिया क्या आएगा, बोल भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वन मोर ऑप्शन, करंट को अब यहां से अंदर घुसाओ सीधा सामने से ऐसे इनवर्ड, रो क्या लोगे रेजिस्टेंस, रो ये करंट अंदर घुस रहा है ना मतलब ये वाला डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो बी एल एच, बोलो कैसा लगा मेरे रेजिस्टेंस का आइडिया। आप सिर्फ ये फॉर्मूला रट के बैठे हो तो आप एग्जाम में फंस सकते हो, फॉर्मूले का पूरा समझ ये है, और ये समझ को मैंने इधर दो वर्ड्स में डालने की कोशिश की लेकिन आपको ये पल्ले पड़ा नहीं, तो मैंने पूरा फिर ड्राइंग करके समझाया, समझ में आया लेंथ कौन सा लेना है, करंट को जो ट्रैवल कर रहा है दैट विल बी द लेंथ, और करंट जहां जाके टकरा रहा है वो सरफेस एरिया अपने को लेना है, करंट यूं भी घुस सकता है इधर भी घुस सकता है इधर भी घुस सकता है, क्लियर कि नहीं क्लियर। अब हो गया, अब हम सीधे इसके सम्स पे टूट पड़ते हैं, चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ओके अब थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं बहुत देर के लिए फॉर्मूले, अब सीधे सवाल लेते हैं 20-25 सवाल डाल देते हैं अंदर फटाफट स्पीड में है ना, लेकिन यार फॉर्मूला अभी आपका पहला पहला लेक्चर है तो फॉर्मूला थोड़ा कच्चा पक्का है, तो मैं फॉर्मूले लिख लेता हूं एक बार आपके लिए ताकि आपको एक बार तो मिल जाए हेल्प, फिर घर जाके इसको प्रैक्टिस करके रट्टा मार लेना फॉर्मूला। ओके चलो क्या क्या फॉर्मूला है अपन ने देखे, क्या भी लिस्ट बनाता हूँ, सबसे पहला वीर याद रखना है, वीर
इस दूजा क्या है यार रेजिस्टेंस वो एल बाय इसमें एल और ई कैसे लेना है पता है ना हाँ तो तीसरा फॉर्मूला जे इज इक्वल टू सिग्मा ई हो गया तो चौथा फॉर्मूला रेजिस्टिविटी इज वन अपॉन कंडक्टिविटी चार फॉर्मूले देखे ना और को क्या देखा ओम्स लॉ देखा रेजिस्टेंस देखा मोबिलिटी रह गया भैया मोबिलिटी मोबिलिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ डी लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये वोल्टेज नहीं है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना मोबिलिटी अब और क्या था फॉर्मूला एक और निकालो वो रेजिस्टिविटी का था ना मास अपॉन एनी स्क्वायर टाउ टाउ मतलब रिलैक्सेशन टाइम टाइम बिटवीन टू कोलाइजंस विद आयंस बाय दैट फ्री इलेक्ट्रॉन्स पता है ना पूरा ओके रुक पुराने वाले भी लिख लेते काम है कि जे इज इक्वल्स टू वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन चार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम करंट डेंसिटी I equals to Vina. I ja. और कुछ रहेगा तो कोई याद करो मेरे को तो बस इतने याद आ रहे क्या ये पिछले लेक्चर के फॉर्मूले हैं शायद ये वाले तीनों हाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक था वो भूल गए E by n into tau ठीक है बस इतना फॉर्मूला आपके पास है ना तो अगले 20-25 सवाल सारे के सारे आपको आएंगे मेरा पर्सनल गारंटी है जा गारंटी पेपर लेके आ पाड़ के फेंकूंगा साइन नहीं करूंगा मान ली गलत तुझे नहीं आया तो ठीक है चलो अब सवाल लिया जाए ओके चलो एक सवाल है एन इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी इज 5 करंट डेंसिटी दिया है मतलब क्या दिया है यहां से ये अपना बॉर्डर है यहां से बड़ा है जे कितना दे दिया हमको 5 डन इज ऑब्टेन्ड व्हेन 8×10⁻¹ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टू कंडक्टिंग वायर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया 8×10⁻¹ वोल्ट पर मीटर Then resistivity of conductor is what? Resistivity पूछा है भैया। पहले तो JE का फॉर्मूला है ना? सिग्मा ढूंढो, फिर सिग्मा को उल्टा कर दो, मिल गया आंसर। है इजी? चलो सॉल्व करते हैं फटाफट। JE equals to सिग्मा E, सिग्मा is equals to J by E. JE कितना है अपना? 5. E कितना है? 8×10⁻¹. Done? ये आ गया आपका सिग्मा अब रेजिस्टिविटी मतलब इसका उल्टा मैं सारा उल्टा कर दूं अपॉन 5 कहां गया सी ये आएगा सी कैसे आएगा ये आएगा 1.6×10⁻¹ अरे यार 5 और 8 को मन डिवाइड करना नहीं आता है 5 बन जा 5 3 बच गया 5 6 30 ये आंसर है इस डेटा के अकॉर्डिंग ये आंसर अपना है बोलो क्लियर कोई तकलीफ चल ले ले स्क्रीनशॉट ओके अब एक थोड़ा ओपनिंग में धांसू सवाल ले लिया थोड़ा मजा आवे ना उसे इजी इजी पढ़ रहे फॉर्मूले देख देख के चल अब दिमाग ले इन फॉर्मूलों से आंसर नहीं आएगा दिमाग लगाने से आएगा चलो लगाते हैं द डाइमेंशंस ऑफ ब्लॉक इज 6, 4, and 2 एक ब्लॉक है उसके डायमेंशंस क्या दिए हमको 6, 4, and 2 ये डायमेंशंस लेंथ ब्रेथ और हाइट ठीक है अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम रेजिस्टेंस ऑब्टेन्ड बिटवीन म्यूचुअली अपोजिट साइड्स रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या है भैया रो एल बाय ए ठीक है अब रेजिस्टेंस का दो आइडिया मांगा इन्होंने एक तो मैक्सिमम मांगा है अपने से और क्या बोला है मिनिमम वेल म्यूचुअली अपोजिट साइड ये यार इस पे भी पढ़ा हूं हद करते हो जैसे करंट यहां से डाला यहां से निकला तो ये अपोजिट साइड हो गई ना दोनों ये और ये अपोजिट मान ले करंट यहां से डाला और यहां से निकला तो ये और ये अपोजिट साइड हो गई ना वो तो नेचुरल चीज है
तो डालोगे करंट को कहीं से तो निकलेगा, लेकिन करंट भी डाइवर्ट नहीं हो रहा है, तो हम जो थियरी सीखे वो यहाँ पे काम आएगी, मतलब करंट तो सीधा ही जा रहा है, ये बोलना चाहता है म्यूचुअली अपोजिट कौन सी। क्लियर? अब मेन चीज होते हैं आर मैक्सिमम और मिनिमम पूछा है, तो देख भाई ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो लेंथ भी कैसा होना चाहिए मैक्सिमम और एरिया कैसा होना चाहिए मिनिमम, इनवर्स है। आपको आर मैक्सिमम करना है तो इसको मिनिमम करना पड़ेगा, है कि नहीं? अब इस कॉम्बिनेशन पर से देख कि लेंथ मैक्सिमम कौन सा हो सकता है, 6, उस वक्त एरिया मिनिमम कितना हो सकता है? रुक, ये तीनों मेजरमेंट दिए, किसी भी दो के मल्टीप्लाई से एरिया मिलेगा, तो देख इसका मल्टीप्लाई करो तो 24, इसका करो तो एरिया आता है 8, और इसका करो तो आता है 12। मिनिमम एरिया कौन सा है? तो ये एरिया मिनिमम और ये लेंथ अपनी मैक्सिमम। वेरी गुड, 6/4 to 8, 3/4 हो गया ना, ये आर मैक्सिमम बोलो, क्या बोल रहे हो? आया समझ में? अब जब आर मिनिमम है तो लेंथ कैसा लेना है? मिनिमम। और एरिया कैसा लेना है? मैक्सिमम। अब मिनिमम लेंथ वाला ऑप्शन कौन सा बन सकता है? देखो 6/4 to 2, ये मिनिमम लेंथ ये ले सकते हैं, लेकिन उस वक्त एरिया मैक्सिमम लेना है, तो एरिया आपके पास तीन टाइप का है, 6/4 to 24 एक एरिया बनता है, 4 to 8 भी बनता है, 2 to 12 भी बनता है, बोलो मैक्सिमम एरिया कौन सा है? 24। वेरी गुड, लेंथ मिनिमम आ गया 2, एरिया मैक्सिमम आ गया 24, रो ऑन 12, जो कि आपका आर मिनिमम। क्लियर? नाउ यू नीड मैक्सिमम एंड मिनिमम रेजिस्टेंस रेशियो, आर मैक्सिमम आर मिनिमम, मैक्सिमम कितना है 3 rho/4, मिनिमम कितना है आपका rho/12, वो सिर हो गया पूरा सॉल्व कर, 9:1 आया आंसर, क्या है ऑप्शन? हीरा, खेल कर तुम बोलो, समझ में आ रहे हैं? मजा मजा आ रहा है कि बोर हो रहे हो? बोर हो रहे हो? नहीं, तो थोड़ा जोर से नहीं बोलो ना, बोर हो रहे हो क्या? नहीं। क्या आप बोर हो रहे हो? नहीं। क्या आपको मजा आ रहा है? यस, ओके। नौ बच्चा फ्लो फ्लो में नहीं बोलता है तो कचरा हो जाता है टीचर का। सुनो, अब है सारा एक फॉर्मूलों का गेट, और थोड़ी बहुत ऐसे समझ लगानी पड़ती है अंदर में। अगला सवाल देखते हैं। ओके, चलो एक और सवाल देखते हैं। इन कंडक्टिंग वायर हैविंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब स्मॉल एंड ग्रेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ये वॉल्यूम, इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोलते हैं ना, कितना दिया है 8 × 10^12 यूनिट दिया नहीं है, तो हम अपने हिसाब से मीटर माइनस क्यूब ले ले, छपा नहीं है यहाँ पे, शायद गलती हो रहा है। द एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलाइजन टाउ, वेरी गुड, बोला था ये टाउ है ना, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलाइजन विद आयंस बाय इलेक्ट्रॉन, टाउ कितना दिया आपने को 4 × 10^-12 सेकंड, एंड मास ऑफ आयंस 2.56 × 10^-27 केजी, देन रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टिंग वायर इज व्हाट, ये सीधा फॉर्मूला कहाँ गया? ये रहा ना छठे नंबर का फॉर्मूला, हाँ सीधा फॉर्मूला, रेजिस्टिविटी इज मास अपॉन एनी स्क्वायर टाउ, मास कितना दिया है 2.56 × 10^-27 एंड कितना दिया है 8 × 10^12 ये कितना है 1.6 × 10^-19 और टाउ दिया है अपने को 4 × 10^-12 ये हो गया रेजिस्टिविटी आंसर। ओके कि नहीं? ओके बस, तो मैं चाहूंगा कभी फॉर्मूला पकड़ लो अच्छे से, बाकी कुछ स्क्रीन शॉट ले लो फिर आगे का देखते हैं। चलो बच्चा लोग, लेक्चर 03 आगे कंटिन्यू करते हैं। फॉर्मूला तो पिछले सेशन में आपको 8-10 फॉर्मूला लिख पाया इस पैटर्न में, शायद आपको सब याद ही होगा, 2-4 दिन का छुट्टी है, हमने रन कर लिया होगा एक्सपेक्टिंग दैट। आज इसी लेक्चर के अंदर एक नया पैटर्न है रेजिस्टेंस पे, चलो बात करते हैं। देखो रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला R = ρ L / A,
ये फॉर्मूला क्या क्या गुण खिलाता है भैया एग्जाम में, देखने वाली चीज है ये फॉर्मूला क्या क्या गुण खिलाएगा आपके साथ, देखने वाली चीज है। जैसे बहुत बार क्या होता है, वायर होता है ना, वायर उसको खींच के लंबा कर दिया, वायर स्ट्रेच्ड एन टाइम्स लेंथ बिकम्स, वायर को खींचा और उसका नया लेंथ क्या बन गया, एन टाइम्स, तो उस नए वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा, ये क्वेश्चन आता है। सिंपल वायर है, इसका रेजिस्टेंस आर है, क्या है आर, लेकिन इसको खींचा ना तो ऑब्वियसली खींचने से वायर पतला हो जाएगा, खींचोगे इसी वायर को आप, तो मटीरियल इज द सेम, सेम मटीरियल बट इट विल बिकम थिनर, थिन बन जाएगा, पतला हो जाएगा, तो नया रेजिस्टेंस बनेगा कुछ ना कुछ। अच्छा ये बताओ खींचने से चेंजेस कहां कहां हुए, लेंथ पे हुए और एरिया पे हुए, क्योंकि खींचने से पहले आपका वायर ऐसा था, देखो खींचने से पहले आपका वायर इतना तगड़ा मोटा था मोस्ट, ठीक है, ये इसका लेंथ था, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया था, डन, ये वाला पोर्शन बता रहा हूं क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब आपने जैसे इसको खींचा खींचा तो वायर पतला हो गया, खींच के देखो इसके बदलाव हो गया, तो देखो लेंथ बढ़ गई, कितनी हो गई n टाइम्स, लेंथ कितनी बढ़ गई n टाइम्स, एरिया कितना हुआ पता नहीं लेकिन कम हो गया साहब, ये पक्का पता है एरिया कुछ अलग हो गया, कम हो गया है कि नहीं, है कि नहीं, ओके। तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा, ड्राइंग को समझ में आया, अब सीन क्रिएट करते, देखो पहले वाला रेजिस्टेंस r समझ लेते हैं, नए वाले को नाम दे देते हैं r टाइम्स, पहले वाली लेंथ क्या रही होगी l, फिर खींच के आपने n टाइम्स बढ़ा दिया nl, पहले वाला एरिया, ये नए वाले के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, इंफॉर्मेशन ही नहीं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वायर को खींच के n टाइम्स लेंथ कर दिया, लेंथ के बारे में क्वेश्चन में क्लियर है, एरिया के बारे में कुछ बोला नहीं है कि कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, तो आपको पता ही नहीं है, तो आप ए डेड एस नाम देके करोगे भी क्या, है ना, एरिया पता नहीं है, पता नहीं है तो उसको दिमाग में रख के एरिया का कुछ करते हैं, चलो करते हैं। ये फॉर्मूला लिया आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, अब मैं इस फॉर्मूले को ऐसा लिखना चाहूं आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, क्या लिख सकता हूं, मैथमेटिकली नहीं लिख सकता, मैथमेटिकली ये प्रोपोर्शनलिटी का क्या नियम है कि यहां जितना कांस्टेंट होगा वो सारा इसमें जाएगा, जो चीज वेरिएबल है वो तो यहाँ पे रुकेगी भैया, एरिया आप गायब नहीं कर सकते, अभी रेजिस्टिविटी हटा सकते हो क्योंकि वो दोनों केस में कांस्टेंट है, लेकिन एरिया तो बदल रहा है, तो एरिया इज वेरिएबल हियर, एरिया इज वेरिएबल, तो मैथमेटिकली आप एरिया को यहां से नहीं हटा सकते, लेकिन एरिया हमको चाहिए भी नहीं क्योंकि हमको एरिया की इंफॉर्मेशन तो क्वेश्चन में है नहीं, क्योंकि लेंथ की इंफॉर्मेशन है कि पहले एल था अभी एन टाइम्स है, तो लेंथ को रख सकते हैं, उसका वैल्यू रख सकते हैं, एरिया के बारे में कुछ पता ही नहीं, तो इसको गायब करना पड़ेगा यहाँ से। अच्छा अब आपको एक और हिंट बता दूं, इस सारी प्रोसेस में ये जो खींचे खाली खांची वाली प्रोसेस है, इसको खींच दिया, इस सारी प्रोसेस में वॉल्यूम आपका कॉन्स्टेंट रहता है, वॉल्यूम कैसा रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है, हाँ हाँ वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रहता है, तो एक काम करूं इसको भी रहने देता हूं, ये एरिया हो गया, अब यहां पे एल से मल्टीप्लाई करूं तो देख अपना काम हो गया, ये क्या बन गया वॉल्यूम, ऐसा करने की वजह क्या रही, अब कॉन्स्टेंट है तो ये सारा प्रोपोर्शनलिटी के अंदर गया, बोल क्या बोलता है, आया मस्त पैटर्न, अब देख एरिया तुझे नहीं भी दिया है ना क्वेश्चन में, क्या फर्क पड़ता है, एरिया को तो खा गए, एरिया को वॉल्यूम में कन्वर्ट करके खा गए, अब एरिया नहीं पता है तो क्या फर्क पड़ता है, हमको सीधा लेंथ से सॉल्यूशन करना है कि नहीं, तो चलो इसको नाम दे दो इक्वेशन, अब इसको लेंथ से सॉल्व कर दे, अब कर सकते हैं आराम से, देखो कैसे आर वन अपॉन आर टू एल वन अपॉन एल टू, पुराना वाला रेजिस्टेंस आर है, नया वाला रेजिस्टेंस क्या है आर है, पुराना वाला लेंथ एल है, बाद वाला लेंथ क्या है n टाइम्स ऑफ l, l कैंसिल, ये n स्क्वायर इधर गया तो नया रेजिस्टेंस क्या आया n स्क्वायर r, ये अपना आंसर आ गया।
बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पक्का? अरे रिस्पॉन्स करो रे। निर्जीव प्राणियों कुछ खा के आया करो और क्लास में लाउडली बोला करो। ये समझ में आया पूरा? यस सर। इसमें दिक्कत यही थी कि एरिया हमको तकलीफ दे रहा था। रेजिस्टिविटी तो गया प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल में, रेजिस्टिविटी जाता है, लेकिन एरिया टिका रहा क्योंकि एरिया वेरिएबल है। एरिया को गायब करने के लिए हमने पूरे टर्म को क्या बना दिया? वॉल्यूम। पूरे टर्म को क्या बना दिया? वॉल्यूम। सिंपल हुआ कि नहीं? इजी। अरे यार वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, समझ में आता है क्यों? तो जाने को कुछ बताऊं नहीं ना। गुड बैच। चलो अब इसी सवाल को थोड़ा और घुमा के पूछ दिया एग्जाम में। इस बार उन्होंने वायर को खींचा और रेडियस को एन टाइम्स छोटा कर दिया। लेंथ पे इस बार बात नहीं की इन्होंने। इन्होंने क्या बोला था? सेम क्वेश्चन, द सेम क्वेश्चन। पहले रेजिस्टेंस आर था, नया रेजिस्टेंस आपको ढूंढना है। पहले इसका रेडियस आर है, नया रेडियस आर आपको एन कर दिया। और इस बार लेंथ के बारे में कुछ नहीं बोला है। ये रेडियस है तो इससे आप एरिया पता कर सकते हो, मतलब एरिया के बारे में, रेडियस के थ्रू एरिया के बारे में आपको इंफॉर्मेशन हो सकता है। यू डोंट हैव लेंथ इन दिस क्वेश्चन। तो जो काम हमने एरिया के साथ किया ना, उसको वॉल्यूम बना के गायब कर दिया, वही काम इस बार लेंथ के साथ कर रहे हैं। लेंथ को वॉल्यूम बना के गायब कर दो। चलो करते हैं। देखो देखो पहले आर इज इक्वल टू रो एल बाय के, रो एल बाय पाई आर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। ये रो पाई सब कॉन्स्टेंट, ये लेंथ तकलीफ देगा तो लेंथ को क्या बना दू? वॉल्यूम कैसे बनाएगा? इनटू एरिया। इनटू एरिया बन गया वॉल्यूम कि नहीं बना? और से देखो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इनटू वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर, और एरिया का हो गया पाई आर स्क्वायर। देख सारा कॉन्स्टेंट निकल गया। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कोर ऑफ आर, फोर टू द पावर ऑफ आर। आया रिलेशन? इसको पकड़ के रखना है। बोलो क्लियर है? पक्का? अब इसको सीधा फॉर्मूला ले जाओ। आर वन अपॉन आर टू, आर टू अपॉन आर वन, पहले वाला रेजिस्टेंस, नया वाला रेजिस्टेंस। रेडियस नया वाला क्या है भैया? आर आई एन। पहले वाला क्या है? आर। आर से आप कैंसिल। अरे यहाँ पे फोर है रे, एन फोर इधर। आर डैश इज इक्वल टू एन फोर टाइम। आओ आओ बोलो कैसा रहा सवाल? मैं जहां आपको एन बता रहा हूं वहां क्वेश्चन में कुछ और भी हो सकता है। क्वेश्चन में बोल सकते हैं कि वायर को खींचा, लंबाई पांच गुना कर दी, लेंथ फाइव टाइम्स हो गया। जहां एन है वहां आपका क्या आ जाएगा? फाइव। एन की जगह क्या आ जाएगा? फाइव। फाइव स्क्वायर 25। लेकिन आप ये आंसर रटना नहीं, ये हर बार बदलेगा, ये धोखा देगा। हाँ ये बदलेगा, ये पैटर्न आपको रट्टा मार सकते हो। लेकिन क्या रट्टा मारना है? दो स्टेप तो लगेगा। चाहो तो आप इसको याद रख सकते हो, ये हमेशा वफादारी करेगा, कभी नहीं बदलेगा ये पैटर्न किसी भी सवाल में आपके लिए। इस टाइप के इसको रट्टा मार सकते हो, ये काम का नहीं है, ये तो धोखा देगा। कैसे धोखा देगा? क्वेश्चन में मान लो ऐसा बोल दिया होता कि वायर को खींचा नहीं है, वायर को कंप्रेस किया, दबाया दबाया तो लेंथ कम हो गया। लेंथ कम हो गया तो इधर क्या आता? L by N, L by N आता, ये सारा आंसर उधर जाता ना। ये तो यही रहता ना, ये तो थियोरिकल पैटर्न यही देता, यहां से कैलकुलेशन चेंज होता तो आंसर आपका कुछ अलग आता। इसलिए ये रट्टा मारने वाली चीज नहीं है, समझा? इसको याद रख फॉर्मूले को। क्लियर? यस। और सब रट्टे से सबसे बढ़िया सोल्यूशन है रट्टा वट्टा मारने, समझो इसको, इसकी समझ क्लियर होनी चाहिए आपको। ऐसा ही क्यों किया सर? ये स्टेप्स आपको कॉन्फिडेंस से आने चाहिए। मेरा मेन टारगेट क्या था कि जो इंफॉर्मेशन है नहीं उसको गायब कर दो। जैसे यहाँ पे एरिया नहीं था इस सवाल में, तो मैंने एरिया के साथ लेंथ डाला, ये वॉल्यूम बन गया और वॉल्यूम बन के गायब हो गया। यहाँ पे क्या ध्यान रखा मैंने? मेरे पास लेंथ का डिटेलिंग नहीं था, तो लेंथ के साथ एरिया लगा दिया, तो बन गया वॉल्यूम, वॉल्यूम बन के लेंथ गायब हो गया खुद ही। अब लेंथ की झंझट ही नहीं,
समझ में आ रहा है कि नहीं है मैथमेटिक्स? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का? इस सवाल को थोड़ा और घुमा के पूछ सकते हैं। इसी जगह में दिख रहा है कैमरा में करो? यस सर। थोड़ा कैमरा घुमाओ, थोड़ा इधर उधर, थोड़ा सा ज्यादा नहीं दिख रहा, नहीं घूम रहा है। ओके चलो देखो, इस सवाल को ऐसे पूछ सकते हैं कि पहले रेजिस्टेंस आर था, अब आर एस है। पहले रेडियस आर था, अब वायर को दबाया गया है, दबाया है तो रेडियस बढ़ जाएगा ना। तो नया रेडियस मान लो एन टाइम्स हो गया, सीधा उठाओ यहां से, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर ऑफ आर, आर वन अपॉन आर टू, आर टू अपॉन आर वन रेज टू फोर, आर वन अपॉन आर टू। नया वाला रेडियस क्या है एन आर, पुराना वाला क्या है आर, आर टू इज इक्वल टू आर वन अपॉन एन फोर। देख ले, मैंने बोला था ये आंसर भी वापस इसको नहीं रटना है, देख बदल गया। ये पैटर्न ये रही, इसी पैटर्न से देखो मैंने सवाल स्टार्ट किया आपका। समझ में आ रहा है? बहुत इजी सवाल है ये, वेरी इजी, वेरी मच इजी। क्लियर नहीं क्लियर? और कुछ इसमें चल रहा है दिमाग में उत्तर बदल तो बोलो, अभी करवाता हूँ। आपको कुछ नया क्वेश्चन सूझ रहा है इसमें कि सर ऐसे किया तो वो किया तो ये किया तो बोलो? नहीं तो मुझे कुछ और आ रहा है समझ में, मुझे कुछ और समझ में आ रहा है। क्या आ रहा है देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कि नया कुछ बताता हूँ। ओके, अब इसी पैटर्न पे कुछ और सवाल भी बन सकते हैं। देखो जैसे ये सवाल बना, यार सवाल चल सीखा देता हूँ। जैसे पहले रेजिस्टेंस आर था, अभी आर डैश, नया वाला रेजिस्टेंस ढूंढो आप। चेंजेस क्या किया, उसको स्ट्रेच किया और लेंथ 10% बढ़ा दिया। लेंथ कितना बढ़ा दिया? 10%। मतलब पहले उसका लेंथ एल था, नया लेंथ क्या हो जाएगा? 1.1 L। 10% बढ़ाया ना, लेंथ 10% इंक्रीज हुआ भैया, नया लेंथ हो जाएगा 1.1 L। ओए होए, अरे मैथमेटिशियन, गणित शास्त्री हो, ये नहीं पता है? सच्ची बोल, ऐसे झूठा झूठा यस नहीं, नहीं पता है तो मैं अपना टाइम स्पेंड कर सकता हूँ यहाँ पे 10-15 मिनट। शक्ल देख के नहीं लग रहा मेरे को, आपको डायरेक्ट बताइए। चल तो सवाल को रोक के रख दो, मैं इस सवाल को बाद में लेते, पहले थोड़ा गणित सीख ले। देख कभी भी मैथमेटिक्स क्या बोलता है कि भी पहले उसका लेंथ एल था, नहीं पहले इतना लेंथ था एल, उसको आपने खींचा तो एल प्लस समथिंग हुआ ना, एल तो था ही और प्लस कुछ और एड हुआ अंदर खींचने से, तो वो क्या था 10% ऑफ दिस एल। तो नया लेंथ ऐसे लिखेंगे ना, एल प्लस 10% ऑफ एल, ये नया लेंथ है आपका। 10% मतलब 10 डिवाइड बाय 100, एल कॉमन ले ले, 1 प्लस 0.1 तो आ गया ना 1.1 L। भैया अब ये गणित करवाना नहीं चाहिए 12वीं के क्लास में, 12वीं क्लास के बच्चे को पता ही होता है 10% पे यहाँ पे मन लग जाता है, लेकिन हर बार इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर है अपने पास। ठीक हूँ, देख मस्त पैटर्न है, ध्यान रखना। SPG बोलते हैं इसको, क्या होता है SPG? थोड़ा जोर से बोल, सोहम्स परम ज्ञान। क्या बोलते हैं इसको? सोहम्स परम ज्ञान, SPG। तो क्या है परम ज्ञान? देखो जैसे आपको बोला इंक्रीज 1%, क्या बोला इंक्रीज 1%, तो नया लेंथ आपको ऐसे लिखने का 1.01 L, नहीं ऐसे नहीं, तो पैटर्न है ना तो अच्छे से पढ़ा। इंक्रीज 10%, तो नया लेंथ क्या लिखने का 1.1 L, ये हो गया। 10% को सॉल्व करोगे आप तो यहाँ पे आपका 1.1 लग जाएगा, दिस इज द मेथड। ओके, अब डायरेक्ट जैसे इन्होंने बोला इंक्रीज 20%, हाँ 1.2 लिखने का, इन्होंने बोला इंक्रीज 30%, अब इन्होंने बोला इंक्रीज 90%, मैथमेटिशियन
अनबिलीवेबल है इंक्रीज 100% वेरी गुड 2L कैसे टू डबल हो गया ना इंक्रीज 100% जितना था उतना 100% और इंक्रीज हुआ तो डबल हो गया ना लेंथ समझा कि नहीं तो सीधा 2L वेरी गुड अब आया इंक्रीज 200% 3L रे गवार मैथमेटिशियन गणित का क्लास है ढूंढ मरो कभी आप आंसर अच्छा देते हो कभी सब डब्बा गुल कर देते हो इंक्रीज 200% ये इतना पेन है अपना समझो ये पेन है इसका मैं बोलूं 50% आपने इंक्रीज किया इतना आधा इंक्रीज किया ना या कि नहीं मैं बोलूं 100% इंक्रीज हो गया डबल हो गया मैं बोलूं 200% इंक्रीज हो गया 100 और 100 तो नया लेंथ कितना हो गया 3 गुना हुआ कि नहीं 3 गुना तो यार क्या करते हो आप इंक्रीज 400% क्या बात है 5L समझा कि नहीं समझा ये पैटर्न है इंक्रीज का एक और पैटर्न जैसे देखो यहां पे बोला इधर इसी में करवाता हूं इंक्रीज 25% हाँ 1.25 इंक्रीज 10% तो 1.1 इंक्रीज 20% तो 1.2 इंक्रीज 30% तो 1.3 इंक्रीज 90% तो 1.9 इंक्रीज 25% अब जैसे बोला इंक्रीज 32% 32% बोला था आपको क्या लिखना 1.32 अब यहाँ पे थोड़ा और इंक्रीज को अलग वे में देखते हैं इंक्रीज 10% को देख लिया अब 1% मतलब क्या 0.01 क्योंकि ये 10 की जगह 1 हो जाएगा ना ये 1 हो जाएगा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 0.01 तो ये आंसर क्या हो जाएगा समझा कि नहीं एक स्टेप पीछे से रख जाएगा लेकिन हर बार ये मेथड नहीं करना है इनको ऐसा सिंपल स्मार्ट मैथमेटिक्स यूज करना है अब मान ले इसको ऐसा बोलो इंक्रीज 0.1% एक बार एक जीरो और अंदर घुसा दे 1.001 समझा मान ले ऐसा बोल दिया वो इंक्रीज 0.01% तो और घुसा दे एक एक जीरो अंदर घुसा दे जाओ 1.001 बोलो समझ में आया ये बारीक बोली कि नहीं आया तो आप इसमें हाँ बोले देगी सर हमको आता है ये सब परम ज्ञान आपके पास था था तो सही लेकिन सर दिमाग के किसी कोने कोपचे में पड़ा था तो हम उसको यूज नहीं करते थे तो हम हर बार ऐसे लंबी मेथड करके जाते थे मूर्ख हो गया ना पक्का अब मान ले उल्टा करके पूछता हूँ कि सारे केस में डिक्रीज आए तो इंक्रीज नहीं होगा डिक्रीज आए तो 10% डिक्रीज हो गया तो 0.9L एक एल था एक एल उसमें माइनस 10% करेगा तो 0.9 आएगा ना डिक्रीज 20% तो हाँ डिक्रीज 30% तो डिक्रीज 90% तो हाँ अब इससे ज्यादा डिक्रीज नहीं हो सकता डिक्रीज 100% तो अब ये नहीं हो सकता माइनस में नहीं जा सकता कहीं समझ में आ रही है समझ में से जा रही है हाँ बस ये छोटा मोटा गणित का सोम परम ज्ञान था आपके लिए शायद यूजफुल हो जाए ठीक है चला जाए अब देख क्वेश्चन में फिर जाते हैं क्या बोला है कि पहले में एल था 10% इंक्रीज हो गया तो नया लेंथ हम क्या लेंगे 1.1L उसके लिए इतना लंबा मेथड करने की जरूरत नहीं है अब रेजिस्टेंस को लेके डायरेक्ट एल स्क्वायर वाला पैटर्न बोला था ना मैंने कि अब ले सकते हो रे यहाँ साइड में लिखा नहीं दिया ये ले सकते हो रेडियस के साथ डायरेक्ट आप ये ले सकते हो आर है ना चलो R1 upon R2, L1 upon L2, whole square. पहले वाला रेजिस्टेंस R, नया वाला R max. पहले वाला लेंथ क्या था L, नया वाला लेंथ क्या 1.1L. है कि नहीं? तो L से L कैंसिल. R upon R max. 1.1 का स्क्वायर क्या होगा? 1.21. ये इधर, इसको इधर लगा. R max is equal to 1.21. ये नया रेजिस्टेंस आ गया. मान लो इसमें परसेंटेज पूछा कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ रेजिस्टेंस 21 आंसर आएगा 21% अरे यार
25% इंक्रीज हुआ है तो हम आंसर क्या लिखते हैं 1.25। 32% इंक्रीज हुआ है तो हम क्या लिखते हैं 1.32। तो यहाँ पे आंसर 1.20 बना रहा है, तो इंक्रीज कितना हुआ 21%। सीधा आंसर, इतना दिमाग खपाने की जरूरत ही नहीं है देसी गणित से अपनी लाइफ का। ये मैथमेटिक्स हम छठी सातवीं से खेलते आ रहे हैं। क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलो समझ में आया पक्का? मान ले एक बार ऐसा कैसे देता हूँ। अब उन्होंने बोला क्योंकि पहले रेजिस्टेंस आया था, नया रेजिस्टेंस आप ढूंढो, पहले लेंथ एल था, वायर को खींच के उसका लेंथ 20% बढ़ा दिया, 20% बढ़ा दिया, नया लेंथ क्या होगा 1.12। सीधा आ डायरेक्ट यहीं पे आ जाऊं, टाइम बचा रहा हूं, सीधे यहीं पे आ जाता हूं। देखो ये वाले स्टेप में अपॉन 1.2 का स्क्वायर 10% बढ़ा है तो 20 कर देंगे, 20 ले रहे 21% आता है, श्योर आंसर, श्योर आंसर 21% आता है। फिर जैसे 20% बढ़ा तो रेजिस्टेंस कितना परसेंट बढ़ा, 44%। तो इसमें कुछ रट्टा वट्टा नहीं है, आपको मेथड करना है। क्लियर कि नहीं क्लियर? अरे यार अब ये सारा काम जब कब लगेगा पता है आपको? स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो पेपर। ये सारा तामझाम कब लगेगा पता है? जब आपके चेंजेस नोटिसेबल है। नोटिसेबल चेंजेस मतलब 7-8% से ज्यादा की बात हो ना, तब कि भी लेंथ को खींच के 10% बढ़ा दिया, लेंथ को खींच के 12% बढ़ा दिया, लेंथ को खींच के 20% बढ़ाया, लेंथ को खींच के डबल कर दिया, लेंथ को खींच के एन टाइम्स कर दिया, ये कंसिडरेबल चेंजेस होता है, तब हम ये सारा मेथड और ये तामझाम करते हैं। लेंथ में कुछ इतना फर्क ही नहीं पड़ा, बिल्कुल छोटा सा। जैसे देखो पहले उसका लेंथ एल था, अब उन्होंने लेंथ में कितना परसेंट बढ़ाया पता है? 0.1%। लेंथ कितना बढ़ा? तो यार नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, समझ? इतना वायर है, इतना वायर है, मैं बोलूं 0.1% खींचा इसको, क्या तो खींचा और क्या टाइम वेस्ट किया, समझा कि नहीं? ये बहुत छोटा मामला है, तो समझो आप इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। इफ लेंथ इज इंक्रीज्ड, इफ लेंथ इज इंक्रीज्ड 0.1%, व्हाट विल बी न्यू रेजिस्टेंस, व्हाट विल बी न्यू रेजिस्टेंस। तो इसमें ये सारा मेथड नहीं लगेगा, इतना सारा सीधा छोटे मामले में जाएगा। देखो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल स्क्वायर, ये पैटर्न का तो सीधा वैसे ले लो डी आर बाई आर टू डी एल बाई एल, ऐसे लिखते हैं। नहीं आ रहा है, याद कर रहा हूं, डेल्टा आर बाई आर टू डेल्टा एल बाई एल, ये कैसा कहीं पढ़ा है आपने? कहां पढ़ा है? वेरी गुड, यूनिट एंड डायमेंशन वाले चैप्टर में। क्या नाम था इस टॉपिक का? ओ त्रुटि गुजराती में बोलते रहे, इंग्लिश में क्या होता है? एरर। हां ये एरर वाले टॉपिक में हमने ये पैटर्न पढ़ा हुआ है ना, लेकिन ये चेंजेस बहुत छोटे, तो मैं डी के फॉर्म में लिख रहा हूं डी आर बाय आर, ये पूरा हो गया आपका 0.1% परसेंटेज एरर है कि नहीं मामला? तो आंसर आ गया आपका 0.2%, सीधा आंसर, सीधा आंसर। अरे ऐसे वाले सवाल नहीं पड़ेगा क्या? x is equal to y square upon z cube, इसका एरर निकालो तो डेल्टा x by x to 2 डेल्टा y by y plus 3 डेल्टा z, ये क्या में नहीं पढ़ा था क्या? तो वही तो फॉर्मूला लिया मैंने, तो समझ रहे हो कहने का मतलब कि चेंजेस जब कंसीडरेबल होंगे ना तो ये सारा काम, चेंजेस बहुत छोटा होगा, पॉइंट में होगा या 2% 3% होगा तो आपको यहां तक 6-7% तक आप जा सकते हो इस मेथड को। आपको जैसे बोला कि वायर इज स्ट्रेच्ड एंड लेंथ इंक्रीज्ड 4%, तो 4% छोटा चेंज है, 7-8% तक के चेंजेस छोटे के लगते हैं। लेंथ को 4% इंक्रीज किया तो यहां पे सीधा 4 आएगा ना, 4 2 8 आंसर।
मैं तो बोलूं 7-8% तक इंक्रीज हो ना तब तक डबल कर दो सॉल्व आंसर, ये करने की भी जरूरत नहीं, डबल ही तो हो रहा है, क्या हो रहा है, सीधा स्क्वायर आगे जा रहा है ना, और हो क्या रहा है, अरे यार समझ रहे कि नहीं, क्लियर है ये पैटर्न। तो अब इसके सम्स की प्रैक्टिस करते हैं सर, मिला भी और भी लेक्चर तो लंबा चलेगा, ये वाला तो 1.5 घंटा 1 घंटे से ज्यादा का कंटेंट बनेगा। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, हाय बच्चा लोग, फिर से वही लेक्चर 03 पे फॉर्मूला का कंटेंट तो होगा ही आपके पास सारा, तब आज फॉर्मूले लिखता नहीं हूं, सीधा सवाल करेंगे, कम से कम 10-12-15-16-17 सवाल कर डालते हैं, थोड़ा स्पीड में जाएगा लेक्चर, ठीक है। चलो देखो, बाय स्ट्रेचिंग यूनिफॉर्मली द लेंथ ऑफ कॉपर वायर इज इंक्रीज बाय एन टाइम, वायर को खींचा लेंथ कितना बढ़ेगा, एन टाइम, तो इसमें सीधा सॉल्व करना सिखाया है आपको, R is directly proportional to the L square, है कि नहीं, तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा, वही R1 by R2, L1 by पहले रेजिस्टेंस क्या था R, नया वाला आपने को पता नहीं है, पहले लेंथ L था, अब खींचने के बाद नया लेंथ क्या हो गया, N times हो गया ना, हाँ, L से L cancel, ठीक है, R upon R less 1 upon n square, ये इधर गया आंसर n square r, ये तो भी थियोरिकल कांसेप्ट पढ़ा, इसमें भी ये आंसर आया था अपना, तो आया था कि नहीं, अब ध्यान से सुनो, इसमें एक और ऑप्शन में बात करनी है, लेंथ इंक्रीज n टाइम्स या फिर इट्स रेडियस इज मेड 1 upon root n टाइम्स, या तो लेंथ से सॉल्व करके दो या रेडियस, अपन दोनों से करते, लेंथ से किया, रेडियस वाला फंडा ये था, क्या था जोर से 1/r² वेरी गुड, क्या था r^4, अरे नहीं स्क्वायर था, पक्का यदि स्क्वायर रहता आपका तो पूरे क्लास को पढ़ती है, आपने स्क्वायर में हाँ बोल दिया होता, अरे नहीं नहीं सर है यार तो सही हुआ, तो पूरे क्लास को पढ़ती है, r^4 और ये r का रेजिस्टेंस है ना, नहीं रेडियस है, क्या है रेडियस, त्रिज्या से बेटा सोचे त्रिज्या, तो हो गया काम, देखो पहले रेडियस क्या था आर, और नया वाला रेडियस क्या है 1/√n टाइम्स, नया वाला रेडियस लेना है r/√n, है ना, चलो लेके देखते हैं, r1/r2 r2/r1 raised to 4, पहले वाला रेजिस्टेंस आर, नया वाला अपने को पता नहीं है साहब, ये पहले वाला रेडियस क्या है r, नया वाला रेडियस क्या है r upon √n, r से r गया स्क्वायर के, तो r n स्क्वायर बचा, इसको इधर डाल दो आंसर, बोलो क्लियर है, तो सेम आंसर आ रहा है आपका, कहां गया रेजिस्टेंस इंक्रीज बाय n स्क्वायर आंसर, है इजी कि नहीं है, जो थियरी में पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट है लेकिन सवाल में था तो मैंने फिर डाल दिया, चलो स्क्रीनशॉट लो जल्दी, चलो अगला सवाल देखते हैं, क्या बोला है, मासेस ऑफ 3 वायर्स ऑफ कॉपर आर इन द रेशियो 2-3-5, तीनों के मास क्या रेशियो में है, 2:3:5 हां, लेंथ आर इन द रेशियो, लेंथ आर इन द रेशियो, लेंथ के क्या रेशियो है 3:5:7, ये लेंथ के रेशियो, ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ो, देन द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस इज व्हाट, रेजिस्टेंस में मास आता है क्या, कहीं आ सकता है क्या, हम ला सकते हैं उसको, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तो ये रहा मेरे पास ρL/A, ये रेजिस्टिविटी है, पानी का बोतल गिरा किसी का, निशा क्या कर रही है, रख दे पानी का बोतल लाई है ना तो डूबने के काम आएगा, अभी देख रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया है, इसमें मास को भी दिख नहीं रहे तो ये डेटा क्यों दिया है, वॉल्यूम वेरी गुड, कौन बोला वॉल्यूम, रजत परमार फैंटास्टिक आंसर, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम कैसे लाएंगे, यहां पे एल और यहां पर भी ए,
एल, तो आ जाएगा वॉल्यूम इधर, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल स्क्वायर बाय वॉल्यूम। अब रजत वॉल्यूम क्यों लाया, क्या करना था, डेंसिटी बाय मास। वेरी गुड, एक झापड़ मालूम है, डेंसिटी बाय मास, मास अपॉन डेंसिटी। क्या यार होता है जल्दीबाजी में ऐसा होता है, वॉल्यूम क्या मिल जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। अब डेंसिटी को ऊपर डालो, अब बच्चा लोग गौर से देखो, मटेरियल सेम है तो डेंसिटी वही रहेगा, वहां से तो थ्री वायर्स ऑफ कॉपर, तीनों वायर कॉपर के हैं, तो कॉपर का डेंसिटी, तीनों तीन वायर कॉपर के ना, तो कॉपर कॉपर कॉपर, तो डेंसिटी इक्वल रहेगा, तीनों का रेजिस्टिविटी भी इक्वल। तो फाइनली क्या मिला हमको, तो फाइनली ये मिला, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल स्क्वायर अपॉन मास, मिला कि नहीं। अब यहां से दिमाग लगा गणित वाला, देख इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर वन इज टू, आर टू इज टू, आर थ्री, तो देखो एल स्क्वायर अपॉन एम है ना, तो एल वन स्क्वायर अपॉन एम वन, एल टू स्क्वायर अपॉन एम टू, एल थ्री स्क्वायर अपॉन, पेन थोड़ा लाइट हो गया, दिख रहा है लोगों को, ये दिख रहा है पेन पक्का, जो रुक रहा है, कलर चेंज कर लेते और ये पेन किया जाए, आ जाओ। अब देखो शांति से, लेंथ 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 के स्क्वायर है, थ्री का स्क्वायर नाइन, फाइव का स्क्वायर 25, सेवन का स्क्वायर 49, वेरी गुड। नीचे मास तो सिंगल है, कोई स्क्वायर वगैरह नहीं, तो मास रख दो 2, 3, 5, पक्का। यहां तक ज्यादातर बच्चे पहुंच जाते हैं, अब यहां से आगे थोड़ा एलसीएम टाइप लेना है, इन तीनों का ये जो नीचे वाला टर्म है क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर, क्या ये डिनोमिनेटर तीनों का सेम होना चाहिए, ऊपर का आंसर आपका एक्सेप्टेबल है। मैं बोल देता कि रेजिस्टेंस 1 9 है, रेजिस्टेंस 2 25 और रेजिस्टेंस 3 49 है, लेकिन तीनों का ये नीचे वाला डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, सेम नहीं दिख रहा है, 2 3 5 दिख रहा है, तो ये आंसर वैलिड नहीं है, तो सेम करेंगे। चलो कैसे करेंगे, देखो 2 3 5 इनका एलसीएम क्या होगा, 30 होगा ना, तीनों को 30 बनाना है भैया, तो रेड पेन से लिख रहा हूं, यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई कर, तो ऊपर भी 15 करना पड़ेगा, हो गया 30, और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर, तो ऊपर भी 5, हो गया ये 10 से, 10 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर, हो गया ना 30 30 30, अब देखो आराम से, ये हो गया 30, इसके नीचे भी हो गया 30, इसके नीचे भी हो गया 15 9 135 2 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
क्लियर ऑप्शन 135 to 50 to 90। बोलो कैसा लगा सवाल, है इजी? अपना फिजिक्स का कॉन्सेप्ट इसमें टफ नहीं है, यहाँ गणित थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है? चलो ले लो स्क्रीनशॉट। ओके एक और एग्जांपल, टू कॉपर वायर्स ऑफ द सेम लेंथ हैव गॉट डिफरेंट डायमीटर्स। दो कॉपर के वायर है, दोनों कॉपर है, मतलब दोनों का रेजिस्टिविटी सेम होगा, डेंसिटी सेम होगा, है कि नहीं? Yes. और यहाँ पे लेंथ भी सेम कर रहे हो लोग, लेकिन डायमीटर अलग है। डायमीटर अलग मतलब एक वायर आपका पतला है, एक वायर आपका तगड़ा है, खाते पीते खानदान से है, ठीक है? दोनों का लेंथ सेम है, मटेरियल सेम है ना, दोनों कॉपर है, तो दोनों का रेजिस्टिविटी भी सेम, डेंसिटी भी सेम, सिर्फ रेडियस अलग अलग है। इसका रेडियस छोटा है, इसका रेडियस बड़ा है, ठीक है? ओके डन। अब क्वेश्चन क्या बोला है, विच वायर हैज ग्रेटर रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाय ए। रो और लेंथ सेम है तो डायरेक्टली आर इज 1/a, तो 1/πr² तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस स्क्वायर। तो जिसका रेडियस कम है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है,
विच हैज ग्रेटर रेजिस्टेंस, जिसका रेडियस कम है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो इसका रेडियस कम है उसका आंसर आएगा थिनर वायर, थिन वायर हैज अ ग्रेटर रेजिस्टेंस, क्लियर। और क्या बोले, ग्रेटर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसका ज्यादा है, सेम होगा ना, दोनों कॉपर है, बात तो हुई, इसी को बोलते हैं ना, जिसको आप रेजिस्टिविटी बोलते हो, रेजिस्टिविटी उसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। हाँ, विशिष्ट अवरोध, चलो गुजारी वीडियो, विशिष्ट अवरोध, तो विशिष्ट अवरोध तो बनने का मटेरियल सेम थे तो सेम जैसे, तो ये क्या बोलेंगे, सेम। इजी क्वेश्चन है, चलो ले लो स्क्रीनशॉट, फिर से वही बच्चे जैसा सवाल आ गया, देखो क्या बच्चे जैसा सवाल है, अ वायर हैज अ रेजिस्टेंस आर, व्हाट विल बी इट्स रेजिस्टेंस इफ इट इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ, चार गुना, 550 बार किए सवाल, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, आर वन अपॉन आर टू, एल वन अपॉन एल टू, ये हो गया स्क्वायर, पुराना रेजिस्टेंस आर, नया वाला पता नहीं है सर, पुराना लेंथ एल, नया वाला क्या है, स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ, तो डबल लेंथ क्या है, चाय आया, फोर आंसर, पानी आया, ठीक है। चलो अगला सवाल डालो, 12 नंबर का, कॉपर वायर इज स्ट्रेच्ड टू मेक इट 0.1% लॉन्गर, ओ भाई मैं कल सब इस लेक्चर में ही समझाया है आपको, 0.1% बहुत छोटा मामला है, सीधा डबल आंसर, 0.2% इज द आंसर, पैटर्न क्या था, डेल्टा आर बाय आर, 2 डेल्टा एल बाय एल, ये क्या है 0.1%, तो आंसर आ गया 0.2%, इसी लेक्चर में सिखाया ना, और यही एग्जांपल दिया था मैंने 0.2% वाला ही, क्लियर। चलो अगला सवाल डालो, ओके इसका पीपीटी थोड़ा सा और इसके पिक्सल फट गए मतलब आ जाएगा, डोंट वरी, कंसीडर अ थिन स्क्वायर शीट, अब ये सवाल आपको थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे डोज बढ़ रहा है, आपको सोचने पे मजबूर करते जाएंगे, बहुत आसान आसान सवाल कंटिन्यूसली नहीं आएंगे, ठीक है, चलो सोचते इस पे, पढ़ते पहले पूरा डिजाइन क्या है इसका, कंसीडर अ थिन स्क्वायर शीट, ये रही देखो स्क्वायर शीट है, मतलब उसका विड्थ भी एल है और ये लेंथ भी एल है, हाइट कुछ और हो सकता है, स्क्वायर का मतलब क्या है, दे। अरे स्क्वायर क्या बताऊं यार, पता है ना स्क्वायर, ठीक है, थिकनेस टी है, मेड ऑफ अ मटेरियल ऑफ रेजिस्टिविटी रो, द रेजिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट फेसेस इज व्हाट, इसके दो अपोजिट फेस के बीच का रेजिस्टेंस क्या होगा, रुक जा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाय ए, कोई भी दो ये रहे ना दो अपोजिट फेस शेडेड से करंट जाएगा ट्रैवल करके इधर पहुंचेगा, तो अपनी बात हुई थी करंट जितना ट्रैवल करता है ना उसी को अपन क्या लेते हैं लेंथ, पता है कि नहीं, करंट जितना ट्रैवल करता है उसको क्या लेते हैं लेंथ, जैसे देखो ये बॉक्स है, करंट यहां से घुसा तो उसको किसको लेंथ दिया जाएगा, मान लो करंट आपका यहां से घुसा तो इसको लेंथ लिया जाएगा, है कि नहीं, तो करंट जितना ट्रैवल करेगा उसी को लेंथ देना है, तो इस बार करंट यहां से यहां तक ट्रैवल कर रहा है तो ये लेंथ है, तो ये तो स्क्वायर है ना, तो ये एल है, तो ये भी क्या है आपका एल, हां तो रो एल, तो एरिया क्या है, तो करंट जहां घुस रहा है ना उस फेस का एरिया, करंट यहां पे घुस रहा है एल और टी, तो एल इनटू टी, तो एल एल बॉन्ड, तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टी, मतलब रेजिस्टेंस लेंथ से इंडिपेंडेंट है, लेंथ पे डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि लेंथ लेंथ कैंसिल हो रहा है स्क्वायर शीट इसलिए, क्लियर, तो आंसर आया ना सी, देख क्या बोला है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, गलत, एल नहीं आ रहा इसमें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, गलत, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टी, इट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, फिर इंडिपेंडेंट ऑफ टी, ये भी गलत, क्योंकि टी तो है वहां पे, इंडिपेंडेंट ऑफ एल इज द गुड ऑप्शन, तो सी इज द राइट आंसर, समझ में आया, थोड़ा जोर से हाँ बोलने का, दिल पे लगना चाहिए टीचर को, समझ में आया, समझ में आया, आया कि नहीं आया, पक्का, लड़कियों का कुछ भी कॉन्ट्रीब्यूशन इस साउंड में नहीं होता है,
लड़के बेचारे दिल से होते इमोशनल मेरे जैसे, तू सर के बोलने पे चिल्ला देते, लड़कियां तो इतनी मतलब चालाक है ना, बिना फालतू का अपना एक एनर्जी नहीं निकालेगी, ठीक है कोई बात नहीं, तो लड़कियों को उसी तरह से रखा जाएगा यहाँ पे। अब अगला सवाल डालते चलो, देखो क्या आया अगला सवाल, इन हाउस होल्ड वायरिंग कॉपर वायर 2.05 मिलीमीटर इन डायमीटर, रुक जा भाई, वायर का डायमीटर क्या दिया है 2.05, लेकिन अपना इंटरेस्ट डायमीटर में नहीं है, अपना इंटरेस्ट होता है रेडियस में, तो जो इसका आधा हो जाएगा 205 का आधा क्या होगा फिर, 200 का आधा 100, 5 का आधा 2.5, क्या होगा 1.0 मिलीमीटर है तो -3 हो गया, ठीक है आगे बढ़ो, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ 35 मीटर लॉन्ग वायर, वायर का लेंथ क्या है 35 मीटर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टिविटी कितनी है 1.72 गुजराती मीडियम, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विशेष अवरोध, सूर्य भैया ने बढ़िया, तो क्या फाइंड करना है, फाइंड द रेजिस्टेंस, अरे यार R is equals to rho L by A, rho L by pi R square, अब सारी वैल्यू रख दे आंसर, बच्चे जैसा सवाल है, ये क्यों करवा रहा हूं आपको, हाँ ये JEE का क्लास है समझो, क्योंकि IIT में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आने वाले आपके, लेकिन इनका प्रैक्टिस इसलिए करवाया जा रहा है कि इस फॉर्मूले के साथ आपकी तगड़ी दोस्ती हो जाएगी, तो ये फॉर्मूला आप भूलो ही नहीं जिंदगी भर, इसलिए आसान सवाल भी डाले जा रहे हैं, एटलीस्ट फॉर्मूला तो प्रैक्टिस हो अपना। चल अगला सवाल, द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी और इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी, इन दोनों का प्रोडक्ट, अच्छा अपन ये जानते हैं कि कंडक्टिविटी इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो सिग्मा ई, तो वन आएगा ना, तो प्रोडक्ट इज कॉन्स्टेंट, हाँ तो वन तो कॉन्स्टेंट है ही, ये सेंटेंस तो राइट है इनका, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू, अरे ट्रू है भैया, सच है ये, सच है ठीक है। चल अगला सवाल, ओके अगला सवाल, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 10 ओहम, पहले रेजिस्टेंस क्या है 10, नया वाला हमको ढूंढना होगा और तो क्या है, लेंथ इंक्रीज बाय 10%, तो पहले लेंथ एल था, ओ बायोलॉजी से पूछ लेते उनको भी प्रैक्टिस करवाए, नया लेंथ क्या लेंगे 10%, हाँ 1.1, तीन तीन ऑप्शन में बोलेगी तो कैसे चलेगा, देखा सर कुछ सपोर्ट नहीं करने का नतीजा, 1.1 एल सिखाया ना, हाँ तो क्या बोल रहे हैं, द न्यू रेजिस्टेंस विल बी व्हाट, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल स्क्वायर, R1 upon R2, L1 upon L2, इतनी बार करवाऊंगा ये सवाल, पुराना वाला रेजिस्टेंस 10, नया रेजिस्टेंस पता नहीं सर, पुराना वाला L, नया वाला 1.1 स्क्वायर, L से L गया, इसका स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो गया, कितना आया 12.1 ओम, आंसर दिख रहा है, पहले लिख रहे थे, ठीक है चलो आया समझ में कि नहीं आया, ये तो सिखाया ना अभी सर, परसेंटेज कैसे निकालना है, डायरेक्ट 1.1 कैसे लिया अपन ने, ओके चलो ले लो स्क्रीनशॉट, ओके चलो अगला सवाल, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज रो, वॉल्यूम इज 3 मीटर क्यूब, नोटबुक और पेन निकाल लो फटाफट, एंड इट्स रेजिस्टेंस इज 3 ओम, अरे फेंकम फेंकी नहीं, अच्छा निकाल दो, देन इट्स लेंथ विल बी व्हाट, 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, 30 सेकंड, नोटबुक पेन निकाल लो, बारहवीं में पढ़ रहे थे, नजर से देख के सॉल्व करो, क्या नोटबुक पेन निकाल रहे हो, देख के सॉल्व करो, बी कौन बोला, गुड इंडियस प्रजापति, वेरी गुड स्पीड, ये ऐसे नजर से देख के सॉल्व होता है, कैसे देख, आर है
रो एल बाई ए है, अभी लोगों ने वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम दिया है तो यहाँ पे एल, यहाँ पे एल लगाने का ना तो बन गया ना वॉल्यूम, वॉल्यूम। अब रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, थ्री, ये तो आंसर में चाहिए। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, थ्री एल स्क्वायर, थ्री थ्री जा नाइन अपॉन रो एल स्क्वायर, तो एल विल बी थ्री अपॉन रूट रो। ये आंखों से देख के सॉल्व हो जाता है, इसमें क्या मेहनत कर रहे हैं आप लोग, नोटबुक पे निकल रहे हैं। बोलो आया समझ में, लगता है कि अब इतना स्पीड से कर पाओगे, है इजी सवाल, बच्चे जैसा, ऐसा भी आईआईटी में नहीं पूछेंगे, आईआईटी में ऐसे सवाल भी नहीं पूछ सकते, ठीक है। चल अगला सवाल डालो, ओके बच्चा पढ़ती, चलो अब थोड़ा लेवल थोड़ा सा ज्यादा, आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, इसमें सीधा आंसर तुरंत नहीं मिलेगा आपको, थोड़ा कंसंट्रेट करके सॉल्व करना पड़ेगा। क्या बोल रहे सवाल, द डायमेंशन ऑफ अ कंडक्टर ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो आर शोन बिलो। ये कंडक्टिंग वायर है, वाहक तार छे भाई, जिसके डायमेंशन दिखाए हुए, ये वाला लेंथ ए है, ये वाला जो चौड़ाई है इसका विड्थ वो सी है, और ये हाइट है वो क्या है बी। समझ में आ रहा है कि अपना कंडक्टर अलग से ड्रॉ करके दूं, देख नहीं दिख रहा है तो मैं दिखाता हूं अच्छे से, हो जाता है कभी कभार पीपीटी ऐसा लाइट हो जाता है, देख ये वाला लेंथ क्या है ए, ये वाला हाइट क्या है बी, और ये वाला पोर्शन क्या ले लेते अपन सी। क्लियर, अब समझ में आया कौन सा मेजरमेंट क्या है। Now what the question? रुको। Resistance of the conductor across ABCD and EF। कहाँ ABCD कहाँ है? अच्छा, A इधर है, B इधर है। पहले AB ले लूँ। AB के across resistance क्या होगा? Resistance across AB। Formula तो rho L by A। बच्चा लोग, length किसको समझना है? Current कितना travel किया? वो देखना है ना, जब करंट ये बॉक्स है ऊपर से घुस रहा है और नीचे से निकल रहा है अक्रॉस दी भी, मतलब यहां से करंट का घुसना और नीचे से निकलना, ये बॉक्स है आपका समझ लो, ये वाला बॉक्स, यहां से करंट घुस रहा है यहां से निकल रहा है, तो इतना ही लेंथ कंसीडर होगा ना, ये वाला मेजरमेंट क्या है बी, क्या है बी, तो लेंथ हो गया आपका बी। एरिया इस वाले फेस में घुस रहा है ना ये करंट, देखो इस वाले फेस में घुस रहा है ना, तो ये A into C, हाँ एरिया क्या होगा A into C, आ गया आंसर, बोलो खत्म हिस्सा, वन मोर। अब कहाँ बोला है CD के अक्रॉस, CD यहां से घुस रहा है अंदर, ये एक्चुअली कहां से घुस रहा है दिखा था आपको, देखो ये देखो ऐसे घुस रहा है अंदर, यहां से थ्री डायमेंशन है ना, थ्री डायमेंशन में जनरली हम एक्स को इधर लेते हैं, वाई को इधर, और जेड यू होता इधर है, लेकिन हम ड्रॉ कैसे करते हैं ऐसे, जेड होता है ऐसे ना यू बाहर आता है, लेकिन हम ड्रॉ क्या करते हैं यहाँ पे, तो ये अपना जेड है, मतलब तो ऐसा वाला पोर्शन है, ये वाला है सी डी। क्लियर, तो सी डी में करंट कहाँ से घुस रहा है, यहाँ से, तो करंट कितना ट्रैवल करेगा, इतना इतना ट्रैवल करेगा ना, यहाँ से घुस रहा है तो इतना ट्रैवल करेगा, ये पोर्शन क्या है सी है पक्का, रो सी, एरिया क्या आएगा ए बी आएगा ना, यहां से गुजरा करो ए इंटू बी राइट, फिर तीसरा रेजिस्टेंस अक्रॉस ई एफ, ई एफ किधर है मेरा ना ई एफ, इस बार पूरा इतना ट्रैवल करेगा, लेंथ क्या लेना है ए, एरिया क्या है बी, खत्म। बोलो समझ में आया yes. कि नहीं आया, इजी है ना, लेकिन थोड़ा दो मिनट सोचना पड़ता है, इस सवाल को आराम से सोचना पड़ता है। चलो अगला डाल दे, स्क्रीनशॉट ले लो, ओके अगला सवाल, एन एल्यूमिनियम, अब इसमें फॉर्मूले आपको पूछे जाएंगे, पूछे जाएंगे फॉर्मूले, आपको याद होने ही चाहिए, प्रैक्टिस बहुत करवाया फॉर्मुलेटी में, चलो आज देखते हैं क्या मेमोरी आप लोगों की। एन एल्यूमिनियम वायर कैरिंग अ करंट हैज डायमीटर दिस, वायर का डायमीटर दिया है अपने को 0.84 मिलीमीटर,
तो हमको क्या मिल जाएगा रेडियस 0.42 - 3 मीटर मिल गया रेडियस. द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वायर इज 0.49 वोल्ट पर मीटर. इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों दिया है? होगा कुछ ना कुछ काम आएगा. हाँ भाई रुकिएगा, पेन एक काम आएगा. क्वेश्चन ए, ए द करंट कैरीड बाय द वायर, करंट क्या होगा? लेकिन रुको, इंफॉर्मेशन लास्ट में दिया है. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब रो दिया हुआ है अपने को 2.75 × 10⁻⁸ ओम × मीटर. तो भैया देख, करंट लाने का तेरे पास दो तरीका है, या तो तू I बराबर dQ/dt से करंट लिया, या तो तू I = V/R से भी जा सकता है, या तेरे पास I जा, ये आइडिया है. क्या लगता है आपके दिमाग को कौन सा फॉर्मूला चल सकता है? ये Q/T नहीं चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं चार्ज टाइम पे बात ही नहीं की है, तो ये फॉर्मूला नहीं चलेगा. निकल वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपके पास ना तो वोल्टेज है ना रेजिस्टेंस है. कहां है वोल्टेज? ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वोल्ट कहां है? लेंथ भी नहीं है आपके पास, तो इससे भी आप जा नहीं सकते, थोड़ा दिक्कत हो जाएगा. जाने को तो मैं जाके दिखा सकता हूँ, लेकिन आपके काम का नहीं है. अब इसमें अपनी सारी उम्मीद बंद गई. I = JA, मतलब πr², रेडियस तो है मेरे पास, J का क्या चक्कर है? वेरी गुड. J = σE. E तो है अपने पास, सिग्मा नहीं, 1/ρ. वेरी गुड. चलो फॉर्मूले में रिस्पॉन्स आया ना, तो बड़ा नहीं कम हो जाता है. यहाँ से आपको क्या मिलेगा? I. मैं नहीं करवा रहा हूँ एम्पियर में. ये रो रख दिया, ई रख दिया, पाई रखो, आर रखो, बात खत्म. मिल जाएगा आंसर. दूसरा क्वेश्चन क्या है? बी, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन द वायर 12 मीटर अपार्ट. वायर है जैसे ये आपका, समझो ये वायर है, इसके कोई भी दो पॉइंट ले लो ए और बी, ये दोनों कितना दूर है एक दूसरे से? 12 मीटर. तो अब यही लेंथ गिना जाएगा ना, इतना ही ना, इतने से ही मतलब है ना. तो पोटेंशियल इज इक्वल्स टू आई आर ले लू, आई है आर का रेजिस्टेंस, तो ला सकते हो आप ऐसे तो ऐसे, लेकिन थोड़ा लंबा पड़ेगा मेरे पास, थोड़ा और भी अच्छा आइडिया है. हाँ वेद, वेरी गुड. वेद, वेद मींस डिस्टेंस. हाँ तो यहाँ से आप ला सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 0.49, और उसको ट्रेवल कितना करना है, डिस्टेंस 12 मीटर है. आगे यहाँ से सीधा ला सकते हो, ये थोड़ा लंबा पड़ेगा. क्लियर? लेकिन फॉर्मूलो में हमारा मास्टर ही होना चाहिए. आप जब ये लेने की कोशिश कर रहे हो तो इक्वली आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये ऑप्शन भी अवेलेबल है, उसको बोलते हैं फॉर्मूले का मास्टरी. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ 12 मीटर लेंथ ऑफ दिस वायर है, यहीं पे सॉल्व हो गया. सी, रेजिस्टेंस इज रो एल बाय ए, खत्म. पूरा हो जाएगा? कैसा लगा सवाल? मैंने बोला अब थोड़ा थोड़ा पैटर्न बदलेगा ना पढ़ाते हुए, अभी तो और चार पांच सवाल लेंगे. चलो स्क्रीनशॉट ले लो. ओके चलो आ जाओ. द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन द वायर 75 सेमी अपार्ट. लेंथ क्या हो गया? 75 सेमी मींस 0.75 मीटर लेंथ हो गया. और वोल्टेज क्या दिया हुआ है? 0.938 वोल्ट. डन. ओके, व्हेन द करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी मतलब जे, जे कितना दिया है? 4.40 × 10⁷ एम्पियर मीटर स्क्वायर. अब पहला क्वेश्चन, द मैग्नीट्यूड ऑफ ई इन द वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है. कैसे लाओगे? वेद से ला सकते हो. बी इज इक्वल टू ई एल, तो ई इज इक्वल टू बी बाय एल. बी कितना है? 0.938. लेंथ कितना है? 0.75. कर लेना कैलकुलेटर. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है? बी क्या बोला है? द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, रेजिस्टिविटी चाहिए इनको. हाँ ये E पढ़ा है ना अपने पास अब, तो E is equals to सिग्मा, अरे सिग्मा E
सिग्मा मतलब वन अपॉन रेजिस्टिविटी, इसको ऊपर ले ले, E by J, दोनों पढ़ा है तेरे पास, E यहाँ पे ढूंढा तूने और J ये पढ़ा, वैल्यू रख आंसर, बोलो आया समझ में, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, ओके, नेक्स्ट सवाल, अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ मेटल ऑफ रेजिस्टिविटी रो हैज डायमेंशंस D, 2D एंड 3D, रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, ब्लॉक का ड्रॉइंग नहीं भी दो तो भी आपको आ जाना चाहिए ये सवाल। ये हो गया आपका ब्लॉक, इसका मेजरमेंट क्या है डी, टू डी और ये क्या है 3D, बराबर है, चलो ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड बिटवीन टू अपोजिट फेसेस ऑफ द ब्लॉक, ब्लॉक के दो अपोजिट फेसेस, या तो इधर से या इधर से या इधर से, दिख रहा है ना, यही होगा ना ब्लॉक का दो फेस, यहाँ पे या तो इधर से पोटेंशियल डिफरेंस दिया है या ऊपर नीचे से दिया है या आगे पीछे से दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस कहां से दिया है वो पता नहीं है अभी अपने को, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, ए टू विच टू फेसेस ऑफ द ब्लॉक शुड द पोटेंशियल डिफरेंस बी अप्लाइड टू गिव द मैक्सिमम करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी कैसा चाहिए अपने को, मैक्सिमम चाहिए, करंट डेंसिटी का फंडा क्या है, आई जा है ना, जे बराबर आई अपॉन ए, यही होगा आइडिया, तो नहीं सिग्मा जे सिग्मा ई से जाएगा, ये अवेलेबल तो है, एरिया है ना अपने पास, रुक एक काम कर, आई मतलब वी अपॉन आर भी तो ले सकते हैं ना, वोल्टेज की बात कर रहे हो क्वेश्चन में तो वहां से भी जाओ ना, अरे तेरा बोतल फिर गिर रहा है यार, क्या कर क्या उस बोतल के साथ कुछ खेल रहे हो, वी अपॉन आर भी तो ले सकते हैं ना, अब देख गौर से, रेजिस्टेंस मतलब रो एल अपॉन ए, गया तू जो बोला ना जे ई सिग्मा वो यही तो आएगा, सिग्मा को वन अपॉन रो करेगा और ई को वी बाई एल करेगा, यही तो आएगा, समझ रहा है, हाँ तो फाइनली करंट डेंसिटी वोल्टेज रेजिस्टिविटी और एल पे डिपेंड कर रहा है, तो अपन बोल सकते हैं जे मैक्सिमम लेना है तो अपने को लेंथ कैसा लेना है, मिनिमम लेंथ, करंट का ट्रैवलिंग मिनिमम होना चाहिए, तो करंट कहां से पास होगा इसमें से ना, तो मिनिमम होगा, होगा कि नहीं, बोलो बोलो, हाँ तो लिखो आंसर, टू विच टू फेसेस ऑफ द ब्लॉक शुड द पोटेंशियल डिफरेंस, तो डी में से पास होना उसको इधर, तो कौन सा फेस मतलब बनेगा, ये वाला ना, तो फेस का एरिया क्या आ गया, अरे समझ में आ रहा है कि बताऊं, देख ये मान ले अपना 3D है कि नहीं, ये अपना 2D है और ये है D, 3D ये वाला हाइट 2D और ये वाला D, तो करंट को यहां से पास होना है D में से, तो इसी फेस में घुसेगा ना, तो 3D और 2D में ही घुसेगा ना कि नहीं घुसेगा, समझ रहे कि नहीं, हाँ तो 2D इंटू 3D वाला फेस है, अब आपको डेंसिटी पूछा है, व्हाट इज द मैक्सिमम डेंसिटी, रख डालो वैल्यू, खेल खत्म, रख दो वैल्यू, एल की जगह क्या रख दो डी, एल की डी रखोगे ना आंसर, ऐसे सेम टू सेम बी भी है, देखो मैक्सिमम टू विच टू फेसेस ऑफ द ब्लॉक शुड द पोटेंशियल डिफरेंस बी अप्लाइड टू गिव मैक्सिमम करंट, यही सेम यही आंसर आएगा, क्यों करंट आई और जे डायरेक्टली सामने सामने फॉर्मूले में, जो आंसर जे का है वो भी आई का आएगा, सेम आंसर आएगा 2D into 3D, ये वाला कैसा आएगा आंसर, बोलो क्लियर है, कोई डाउट है इसमें, समझ में आया कि नहीं आया, पक्का, चलो ले लो स्क्रीनशॉट, ओके चलो आज का आखिरी सवाल, बहुत हो गया लेक्चर, बहुत लंबा हो गया ये, कितने इसको खत्म करते हैं, एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर डिजाइन टू कैरी लार्ज करंट्स एज अ सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल 2.50 मिलीमीटर इन डायमीटर, एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है उसको डिजाइन किया है टू कैरी द लार्ज करंट, बड़े अमाउंट का करंट
उसमें से पास हो और उसको कुछ हो नहीं, वो जले नहीं, गर्म नहीं हो, ऐसा कुछ रेजिस्टेंस ज्यादा नहीं मिले, ऐसा कुछ डिजाइन उन्होंने किया है। तो कह रही थे लार्ज करंट, उसका एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये रहा वायर का सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इधर है मान लो, इसका डायमीटर क्या दिया हुआ है 2.50 मिलीमीटर, अपने को डायमीटर से मतलब है, जोर से बोलो किससे मतलब है, रेडियस हो गया 1.25 × 10⁻³ मीटर, और क्या बोला है 14 मीटर लॉन्ग, लेंथ क्या है 14 मीटर, द रेजिस्टेंस बिटवीन एंड्स, अरे आर भी दे दिया है, अब इनको चाहिए क्या, सब तो दे दिया है, रेजिस्टेंस मान सकते हैं हम लोग, हाँ पहला क्वेश्चन आया ना ए, व्हाट इज द रेजिस्टिविटी, तो आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, रो इज इक्वल टू आर अपॉन एल, आर अपॉन एल और एरिया क्या लेना है पाई स्क्वायर, मिल जाएगा आंसर, यूनिट क्या आएगा इसका ओममीटर, पानी रखा करो साथ में, डूबने के काम आता है, जब ऐसे यूनिट नहीं आते दिमाग में तो डूबने के काम आता है पानी, ओम इंटू मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैग्नीट्यूड इन द करंट इज दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड उन्होंने दे दिया अपने को कितना 1.28 वोल्ट पर मीटर, व्हाट इज द टोटल करंट आई क्या होगा, करंट क्या होगा, वी नहीं दिया, दिमाग लगा सकते हैं, I is equals to J A, J मतलब सिग्मा E, सिग्मा मतलब 1 upon resistivity, वो हो गया काम, और एरिया क्या लेना है पाई आर, बोलो आया समझ में, रेजिस्टिविटी यहां से डाल, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से डाल, रेडियस वहां से डाल, खत्म, आया समझ में, अच्छा चलो इसका यूनिट क्या आएगा बच्चों, एम्पीयर, लो मरो आंसर दे रहे हो, देने ही होता है इसका आंसर, सर मजाक कर रहे हो ऐसा रिस्पॉन्स देना होता है, चलो नेक्स्ट, इफ द मटेरियल हैज 8.5 × 10⁸² इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर, कितना इलेक्ट्रॉन पर क्यूबिक मीटर है, कितना 8.5 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर, मतलब ये आपका स्मॉल एन है, नंबर डेंसिटी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं, नंबर डेंसिटी है ना, ठीक है, फाइंड द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड अंडर द कंडीशंस ऑफ पार्ट बी, ड्रिफ्ट स्पीड चाहिए, और ये जो पार्ट बी में आंसर है वो सब आप रखना है इसमें, आई इक्वल्स टू वेना, कर लोगे आई अपॉन ई एन ए, रख दो वैल्यू फिल खत्म, बोलो अच्छा था, पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, हो गया स्क्रीनशॉट, अब मेरी आपसे एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई है, ये पूरा जो लेक्चर 03 कंप्लीट किया शायद 1.5 से 1.5 घंटे का कंटेंट हो रहा है, कम से कम आपको इस कंटेंट को पढ़ाते हुए मैंने 25 से 30 सवाल सॉल्व करवाए, इतने सारे 10-12 फॉर्मूले भी करवाए तैयार, पूरा एक में ले लिया सब, है ना, तो मेरी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई है, अच्छे से प्रैक्टिस करो, अब अगले किसी भी लेक्चर में ये सारे कॉन्सेप्ट आते हैं तो हम अपना उस पर टाइम नहीं बिगड़ेंगे, अपने को आना ही चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए बढ़िया वाले, रगड़ के इतना प्रैक्टिस करना कि सवाल तेरे आगे रोने लगे कि अरे भाई अब छोड़ दे यार, छोटे बच्चे जान लेगा क्या, समझा, ठीक है, जम के प्रैक्टिस करो, तगड़ी प्रैक्टिस करो, अगले लेक्चर में और भी ज्यादा कंटेंट लेके आएंगे, बाय, टेक